और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मायावती का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी दांव क्या है। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके मायावती का दांव कि किस तरह से जाटों और मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ खड़ा करना, ये बसपा चाहती है कि एक बड़े दांव के तौर पर इस बात को खेलना चाहती है। और सपा रालोद के जाट मुस्लिम ओबीसी समीकरण पर चोट भी करना चाहती है बसपा सीधे सीधे तौर पर। और पश्चिमी यूपी में दलित जाट मुस्लिम समीकरण तैयार करना चाहती है क्योंकि यह समीकरण पहले भी मायावती के लिए काम कर चुका है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर मायावती पहले से ही मुखर है और किसानों के समर्थन में लगातार वो बयान भी देती रही है। भाजपा को खुलकर जाट विरोधी तक बता दिया, ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है मायावती का। और मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए ये एक बड़ा और आखिरी दांव भी माना जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा दांव है, यही है मायावती का पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने का नया दांव। और इसी दांव को लेकर ये दांव किस तरह से पड़ सकता है, और अगर इतिहास की बात करें जब 2007 में बसपा